शोर मत करो नोबिता। देखो इस वक्त मैं एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ। हाँ मिल गया। हाँ? काम हो जाएगा। तुम इतने खुश क्यों हो डोरेमोन? नोबिता इसकी मदद से हम शिज़ुका का ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो कैसे? अरेबियन नाइट्स के पूरे सेट में 260 कहानियाँ थी। मैं अपने इस गैजेट से ये देख रहा था कि उनमें कोई असली कहानी है या नहीं, और मुझे पता चला है कि उन कहानियों में दो लोग असली थे नोबिता। क्या सच में? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो नोबिता। हाँ, वो दो लोग कौन थे? इसमें लिखा है उनमें से एक का नाम हरुन राशिद और दूसरे का नाम सैशी माता जाफर है। अगर हम उस समय के अरेबिया में चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों कहानियों में क्या संबंध है। तो जल्दी चलो। हाँ और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच है नोबिता? तुम लोग हमारे साथ उसे ढूंढने चलोगे ना? भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है? काम मुश्किल है, इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट गाइड रोबोट का इंतजाम किया है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ डोरेमोन। अरे ये क्या है? मैं भूत नहीं हूँ, मैं टाइम ट्रेवल कंपनी का एजेंट मिकुजिन हूँ, समझ गए? अब ये बताओ कि डोरेमोन कौन है, क्या तुम या फिर तुम? कहीं तुम ही तो नहीं हो? मेरा नाम डोरेमोन नहीं, डोरेमोन है, समझ गए? गलती हो गई। आपने हमारी कंपनी का अरेबियन नाइट्स टूर चुना, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा वादा है आप सबको बहुत मजा आएगा। बाकी बातें बाद में करना, क्या हम अभी निकल सकते हैं? क्या अभी निकलना है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, जाने से पहले मैं आप सबको अरेबियन भाषा के कुछ शब्द सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना? उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास ट्रांसलेटर टूल है। डोरेमोन आपके पास ट्रांसलेटर टूल है? मेरा नाम डोरेमोन है। ठीक है तो अब आप ये कपड़े पहन लीजिए, ये फॉरेन ट्रेडर और उसके दोस्त के कपड़े हैं, और ये है उसके नौकरों के कपड़े। हाँ? लेकिन हमारे लिए नौकरों के कपड़े क्यों? तुम लोगों ने ही कहा था ना हमें जल्दी जाना है, अब शिकायत बंद करो और जल्दी से कपड़े पहनो। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो डोरेमोन। इन दोनों के कपड़े सुंदर हैं। हे सुनो, हमें भी इनके जैसे कपड़े चाहिए। हाँ सही कहा। वो कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन क्या तुमने डोरेमोन का चेहरा ध्यान से देखा है? क्या ये कहीं से इंसान लगता है, बताओ मुझे? देखो अब हमें चलना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम्हें चलना है या नहीं? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, समझे? हाँ आराम से देख लेना, अब जल्दी चलो। चलो। ये मशीन तो काफी पुरानी लगती है। हाँ ये पुरानी है लेकिन काम करती है। बातें मत करो और जल्दी चलो। अच्छा तो फिर तुम सब लोग 794 ईस्वी के बगदाद में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी तेज नहीं। तो फिर पहले तुमने क्यों कहा था कि हमें जल्दी जाना है? लेकिन हमने इतने भी तेज नहीं कहा था। आगे से जो भी कहना सोच समझ कर कहना। हाँ तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम 794 ईस्वी के बगदाद में जा रहे हैं। तुम चाहो तो मैं वहाँ के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। हमें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी है। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी जानकारी बढ़ाना चाहता था। हमें कुछ नहीं सुनना है, चुप रहो। ये लो हम बगदाद पहुँच गए। तुम सच में बहुत बुरे हो मिकुजिन। ये सब बातें बाद में करना, अब उस तरफ देखो, तुम्हारे सामने है बगदाद का शहर। ये रही मशहूर नदी टाइग्रिस। तुम सामने जो शहर देख रहे हो वो चारों तरफ से 3 दीवारों से घिरा हुआ है, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद आता है राजा का महल, जो बहुत ही आलीशान है। यहाँ की आबादी है 2,00,000। इस दौर में ये सबसे ऊंचे दर्जे का शहर था। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। हमें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिस्ट्री टीचर के साथ